इतना संघर्ष आज काले ने अपने उसमें किया है ना, जद्दोजहद की है, और अभी तक बेचारा देखो सामान पैकिंग ये वो सब कुछ लगा हुआ है और ये लिए दे रहे हैं। जय हो बाबा। हाय गाइस, बेचारा ब्रेकफास्ट भाई खाना भाई किसी को ड्रॉप में कर रखे हैं, उसके बीच में भगा था, अब भी छोड़ रहे हैं हम द ग्रैंड होटल पठानकोट में। पठानकोट में यहीं आसपास में काफ़ी होटल हैं, बहुत अच्छे होटल हैं, और होटल ग्रैंड का तो कहने ही क्या है। अभी हमें यहाँ चेक पोस्ट पर रुका गया है, अभी हम जाएंगे चवाड़ी रेपर टेस्ट के लिए। यहाँ से 5 किलोमीटर है चवाड़ी, जोजीला का छोटा भाई है ये जोत।
चवाड़ी में जा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में रिपोर्ट टेस्ट के लिए। क्योंकि हमारा ये ट्रिप जो अनप्लान्ड ही है, वो मालूम ही नहीं था कि हम कब हिमाचल में प्रवेश करेंगे, नहीं तो हम पहले से ही एक आरटीपीसीआर टेस्ट करवा लेते। ये अभी सरकारी हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल चवाड़ी। एमरजेंसी 24 आवर। अभी हमें चवाड़ी के यहाँ पे हमने करवाना है रिपोर्ट टेस्ट। तू झील गया इतनी आसानी से? हाँ, दूसरा साफ कर दिया। पर्ची बनेगा और रिपोर्ट टेस्ट करवाएंगे। बैठे हैं अपनी चेयर पे। चेयर तो हमारे पास भी है, लेकिन अभी रिपोर्ट टेस्ट की रिपोर्ट लेके हम जा रहे हैं साइबर पे, साइबर कैफे पे। वहाँ से निकालेंगे ई पास और पीछे जो लहेड़ू कुछ ऐसे नाम का वो गम था, वहाँ पर चेक पोस्ट था। उन पुलिस वाले भाइयों को भी हमने वो रिपोर्ट व्हाट्सएप करनी है। अभी यहाँ चिवाड़ी में हमको लगभग 3-3.5 घंटे लग गए रिपोर्ट टेस्ट करवाने में। और ई पास बनवाने में अब इनको यहीं भी रुकेंगे, पीछे चेक पोस्ट पे भेज देंगे। ये तंग सी गलियां हैं, इधर से होते हुए अभी जूत को निकलना है। हरचरण और फकीरा आगे निकल गए। मुझे तो मालूम ही नहीं है मैं सही जा रहा हूँ या नहीं। ओ आ गया, जोत वाला रूट आ गया, 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 आ गया। अंकल जी डरिएगा मत, चलो भाई चले जोत को। पहाड़ों में जब आप बाइक चलाते हो तो एक बात का ख्याल रखना जरूर रखना बनता है, एक बात का ख्याल कि आपकी बाइक का जो मोशन है वो टूटना नहीं चाहिए। जैसे आपने पीछे देखा तो कि काले भाई की बाइक वो मोशन छोड़ गई थी, उसके पीछे मेरी बाइक का भी मुझे भी ब्रेक लगानी पड़ी। कभी भी बाइक का मोशन टूटने नहीं देना है। अच्छी खासी धूप खिली है, बारिश के बाद धूप का भी बहुत मज़ा है, धूप का भी बहुत मज़ा है बारिश के बाद। अभी जोत की तरफ जाते जाते ना छोटे छोटे पासेस आते हैं, जैसे हम इन पहाड़ों से आगे निकलते हैं तो बड़े बड़े पासेस आते हैं, जैसे जोजी ला रोहतांग पास। वो पास थोड़े टफ करके और ऊंचाई पे करके हमको पासों का नाम याद रहता है, लेकिन यहाँ भी छोटे छोटे पासेस आते ही रहते हैं। ये फकीरा भाई का एक्सपल्स है।
आगे जा रहा है काला भाई स्टैंडर्ड पे। अभी हम जोत पहुंचने ही वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलोमीटर का रास्ता होगा जोत। और आज हमारी खुशकिस्मती ये है कि बारिश हो गई है अभी अभी और मौसम साफ है, क्लियर है। पर जोत के आले दुआले का जो व्यू है ना, वही जोत की स्पेशलिस्टी है। अगर आपको, अभी हम पहुंच चुके हैं जोत, देखेंगे जोत की खूबसूरती। जोत में जो स्पेशल है वो ये है कि यहाँ से टॉप पे खड़े होके आले दुआले का जो व्यू है वो बहुत अच्छा दिखता है। और दूसरा वहाँ पे खास ये है कि यहाँ पे गदर फिल्म के कुछ सीन फिल्माए गए थे, वो जगह है। अब से जोत थोड़ा पॉपुलर हुआ है जब से जोत जोत जोत। अभी हम पहुंचने वाले हैं खजियार। रास्ता तो हमारा चंबा, जो पीछे एक छोटा सा गांव था उसका मैं नाम भूल गया, वहाँ से हम बैरागढ़ जाने के लिए हमें चंबा जाना था। लेकिन खजियार रुकने के लिए अच्छी जगह है, लोकेशन अच्छी है, इसीलिए हम आज स्टे खजियार करेंगे। तो खजियार वहाँ से 7 किलोमीटर था और हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे अभी रुकना ही चाहते थे। चंबा तो 17 किलोमीटर था, चंबा जाने का भी कुछ पूरा अंधेरा हो जाता, तो रुकते रुकाते शाम के 8-9 बज जाते, तो उसके बाद ना तो कोई काम हो पाता और सुबह उठने में भी थोड़ी दिक्कत आती, इसीलिए 17 किलोमीटर जाने की बजाय हमने 7 किलोमीटर चुना। क्योंकि एक तो
एक और डेस्टिनेशन हो जाएगी, एक और जो पॉइंट है घूमने वाला अच्छा खजियार, वो देख पाएंगे। क्योंकि फकीरा भाई पहली बार आए इधर, खजियार का जो दिखाना उनको जरूरी था। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी मैं हूँ खजियार में, ये मेरा रूम है, पूरा देख सकते हैं। रूम बहुत बढ़िया है, अनप्लान राइड का यही रहता है कि हम थोड़ा डिले चल रहे हैं। हमारा कल का प्रोग्राम था जीरा से चल के डलहौजी पहुंचना, लेकिन अमृतसर में शॉपिंग में टाइम वेस्ट हो गया तो हम पठानकोट रुक गए। और आज हमारा था काला टॉप रुकने का प्रोग्राम, तो थोड़ा एक तो रास्ता अलग ले लिया हमने, जोत होते हुए काला टॉप जाएंगे, जोत भी हो जाएगा, खजियार भी हो जाएगा, काला टॉप भी हो जाएगा। और लेकिन रास्ते में RTPCR चक्कर में हमें कोई 3-3.5 घंटे पीछे कोई चढ़ूनी कोई ऐसा नाम है गांव का, मैंने पहले बताया भी है, वहाँ RTPCR के चक्कर में हमारा लगभग 3-3.5 घंटे वेस्ट हो गए। इसलिए भी हम खजार आते आते भी हमको अंधेरा हो गया और काला टॉप हम पहुँच नहीं पाए। वहाँ काला टॉप यहाँ से करीब 14 किलोमीटर है और हम नहीं चाहते कि रात को सफ़र किया जाए, ना फकीरा भाई रात को सफ़र करके खुश है और ना हम। दिने दिने शाम 6 बजे तक बस रुक जाओ, जाए भी रुकना है, फ्रेश फ्रेश हो। और एक्स्ट्रा जो रात को जब हम ड्राइव करते हैं ना तो हमारी एनर्जी डबल लगती है और एक्सीडेंट होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। इसलिए कभी भी राइड करना है तो दिन में ही राइड करना है। और आज थोड़ा चिल करेंगे और साथ के साथ यहाँ कोई